अमृता विद्या एडुकेशन फॉर इमोर्टलिटी और छांव फाउंडेशन के तत्वावधान में सरोज हैकआउट कैफे में इंग्लिश पोएट्री अड्डा पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इंग्लिश पोएट्री अड्डा पुस्तक का राजीव खंडेलवाल के निर्देशन में विमोचन किया गया। इंग्लिश पोएट्री अड्डा में सहभागिता और प्रतिभागियों की भागीदारी उत्साहवर्धक थी। कुछ के पास कल्पना द्वारा लिखी कविता थी, कुछ लिखना चाहते थे, उनको उत्साहवर्धन और मार्गदर्शन की जरूरत थी। राजीव खंडेलवाल जो कि इंजीनियर हैं, अपना उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने कविता लिखना स्टेप बाय स्टेप सीखा है। अनिल शर्मा सेक्रेटरी अमृता विद्या एजुकेशनल फॉर इमोर्टैलिटी का कहना है, ऑफलाइन सत्र के साथ ऑनलाइन सत्र आयोजित करने की मांग भी आई है। हम संभावनाओं पर गौर कर रहे हैं और जल्दी ही शुरू करेंगे। हम ऑनलाइन सत्र के लिए फीस रखेंगे जो छांव फाउंडेशन को दें होगी। हमारा मकसद एसिड अटैक पीड़िताओं के विकास कार्य में सपोर्ट करना है। आज हम लोगों ने सेकंड इंग्लिश पोएट्री अड्डा किया जो बहुत ही सक्सेसफुल था और काफ़ी लोग उसमें आए थे, जिसमें ज़्यादातर लोग वो थे जो पहली बार उन्होंने पोएट्री लिखी और सब लोग बहुत खुश नज़र आए और आगे भी उन्होंने इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमसे कहा है। हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आशीष शुक्ला डायरेक्टर छांव फाउंडेशन ने कहा, कविता लिखना और पढ़ना सुकून के साथ विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करता है। हम देश के कई हिस्सों में एसिड अटैक पीड़िताओं से मिल रहे हैं। सेंट पीटर्स कॉलेज के छात्र साहिल ने कहा कि वो दूसरी बार आए हैं, उनको पढ़ने का शौक है। राजीव खंडेलवाल द्वारा स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज करवा कर बहुत ही सरल तरीके से बताकर इंग्लिश पोएट्री लिखने के लिए प्रेरित किया है। मून न्यूज़ के लिए राकेश शुक्ला की रिपोर्ट।